तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब। नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने ऑल इन वन सीरीज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज आप चाहे एम्स नॉर्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे GMERS की हो, या किसी भी स्टेट के लिए स्टाफ नर्स की हो, या CHO की हो, आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। इस सीरीज में हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, उसका मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। द प्रेशर विद इन आर्टरी ड्यूरिंग डायलेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आर्टरी का जो डायलेशन होता है, ठीक है, वो प्रेशर को सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन द प्रेशर विद इन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके दौरान जो आर्टरी का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी द प्रेशर विद द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। हार्ट में जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके दौरान जो हमारी आर्टरी का प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपका यहाँ पर सी आंसर है, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये होता है कि वो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। सर्वदाता बोल सकते हैं, हम हिंदी में बोले तो उसको सर्वदाता भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए है ओ ब्लड ग्रुप, आपका ऑप्शन बी है ए बी, आपका ऑप्शन सी है ए, और आपका ऑप्शन डी है बी। तो यूनिवर्सल डोनर पूछे तो आपका यहाँ पर ओ होगा। मैं आपको बताऊँ कि ओ में भी आपको डिटेल में पूछे कि ओ में भी अंदर डिटेल में पूछे तो आपको यहाँ पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट। हमारे ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं वो कितने होते हैं, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। तो आपको पता ही होगा हमारे ब्लड में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं 150,000 से लेकर 350,000 के बीच में होते हैं नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि प्लेटलेट काउंट है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में कम हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो प्लेटलेट काउंट है वो डेंगू में कम होते हैं। कौन सी कंडीशन में कब होते हैं, डेंगू में कब कम होते हैं, ठीक है। और डेंगू फीवर होता है, ठीक है, जो डेंगू है वो किस मॉस्किटो से बाइट करने पर होता है। तो डेंगू मॉस्किटो है वो एडिस इजिप्टी नाम के मॉस्किटो के कारण बाइट करने से होता है। कौन सा मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी। एक क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया हुआ है कि डेंगू मॉस्किटो, डेंगू जो फीवर होता है वो किस मॉस्किटो के काटने से होता है, तो वो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से काटने से होता है डेंगू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप। जो एंडोस्कोप होता है उसका स्टरिलाइजेशन हम किस मेथड से करते हैं, ठीक है, आपको ये पूछा है। आपके ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग, आपका ऑप्शन बी है यूवी रेज, आपका ऑप्शन सी है 2% फिनोल, और आपका ऑप्शन डी है 2% ग्लूटराल्डिहाइड। तो एंडोस्कोप होता है उसका स्टेरिलाइजेशन के दौरान हम 2% ग्लूटराल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर डी आंसर है, वो करेक्ट है, 2% ग्लूटराल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इनहेंस ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ठीक है, आपको ये पूछा है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन बढ़ाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है विटामिन के, आपका ऑप्शन बी है विटामिन बी, आपका ऑप्शन सी है विटामिन सी, और आपका ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो आप ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के है वो हेल्प करता है, वो ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाने में मदद करता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन के होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज अ कलेक्टेड फ्रॉम। जो हमें यहाँ पर यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है कल्चर के लिए, तो हम कौन सा यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। आपका ऑप्शन है फर्स्ट यूरिन, जो पहला यूरिन होगा वो लेंगे। आपका ऑप्शन बी है लास्ट यूरिन, जो लास्ट वाला यूरिन है वो लेंगे।
आपका ऑप्शन सी है मिडस्ट्रीम यूरिन, हम बीच वाला यूरिन लेके, और आपका ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। फर्स्ट यूरिन और लास्ट यूरिन दोनों को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिडस्ट्रीम यूरिन होगा, सी आंसर है करेक्ट होगा। कल्चर के लिए है इसलिए यहाँ पर सी आंसर है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड प्लेस अ क्लाइंट वुड सस्टेन अ हेड इंजरी। यहाँ पर एक क्लाइंट है, उसको हेड इंजरी हुई है और उसको यहाँ पर इंक्रीज ICP हुई है, उसका यहाँ पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो नर्सिंग ऑफिसर उसको कौन सी पोजीशन देंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नर्स शुड प्लेस अ क्लाइंट वो सस्टेन अ हेड इंजरी इन विच पोजिशन टू प्रिवेंट इंक्रीज ICP। ठीक है, आपके ऑप्शन ए है लेफ्ट सिम्स पोजिशन देंगे, आपका ऑप्शन बी है रिवर्स टेंडर बंक पोजिशन देंगे, आपका ऑप्शन सी है विथ अ हेड एलिवेट ऑन स्मॉल पिलो और फ्लैट स्मॉल और फ्लैट पिलो। ठीक है, हेड को एलिवेट करेंगे पिलो की मदद से, आपका ऑप्शन डी है विथ द हेड ऑफ बेड एलिवेट एटलीस्ट 30 डिग्री। तो ठीक है, हम हेड को 30 डिग्री एंगल पर एलिवेट करेंगे बेड से, वो पोजीशन देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इंक्रीज ICP को प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए, हम पेशेंट को यहाँ पर उसका जो हेड है उसको 30 डिग्री पर उसको एलिवेट करेंगे। यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल साइज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इन एडल्ट। तो नॉर्मल साइज होती है यूट्रस की नॉन प्रेग्नेंट वुमन में, वो कितनी होती है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि नॉन प्रेग्नेंट वुमन में यूट्रस की साइज होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर उसकी, ठीक है, वेट होती है, और 2.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। आपका यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट होगा। ये नॉन प्रेग्नेंट वुमन की हमने बात की है, प्रेग्नेंट का थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव स्टरिलाइजेशन स्टीम इन ऑटोक्लेव शुड बी एट, यहाँ पर IV का मतलब होता है पाउंड होता है, 15 pounds पर स्क्वेयर इंच फॉर 30 minutes एंड टेम्परेचर ऑफ। देखिए, एक क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ, उसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर स्टरिलाइजेशन होता है, उसमें जो ऑटोक्लेव होता है उसमें कितना पाउंड होता है, उसमें 15 pounds होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो हम स्टरिलाइजेशन करते हैं ऑटोक्लेव के दौरान हमें कितना पाउंड का यहाँ पर प्रेशर देना होता है, यहाँ पर 15 pounds का प्रेशर देना होता है। कितना टाइम पूछे आपको यहाँ पर 30 minutes का जो प्रोसेस होता है वो 30 minutes का होता है, और उसमें टेम्परेचर पूछे तो उसमें टेम्परेचर कितना होता है वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि 100 होता है, 110 होता है, 121 होता है, 131 होता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 121 होगा, तो सी आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड सिलेंडर। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सिलेंडर होता है, उसका कलर कोड क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है रेड, आपका ऑप्शन बी है फ्रेंच ब्लू, आपका ऑप्शन सी है ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, और आपका ऑप्शन डी है ब्लैक। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, उसका कलर कोड होता है फ्रेंच ब्लू होता है। आपको मैं दूसरे ऑप्शन भी बता देता हूँ कि ब्लैक विथ वाइट शोल्डर है, उसमें कौन सा गैस होता है, ए ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है आपने देखा ही होगा कॉमनली हॉस्पिटल में होते हैं, जो सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसका शोल्डर होता है वो वाइट कलर का होता है। और आपको पूछिए कि ब्लैक कलर का सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, तो ब्लैक कलर का सिलेंडर में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछिए तो वो फ्रेंच ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू वाला सिलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्ट बाय बेंडिक टेस्ट इन यूरिन सैंपल। ठीक है, यूरिन सैंपल हम लिया हुआ है, उससे बेंडिक टेस्ट हम कर रहे हैं, तो हमें क्या मालूम चलेगा कि यूरिन में कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट है। आपका ऑप्शन है प्रोटीन, आपका ऑप्शन बी है बाइट सॉल्ट, आपका ऑप्शन सी है ग्लूकोज, और आपका ऑप्शन डी है कीटोन। तो बेंडिक टेस्ट है, उससे हमें यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं ऐसा पता कर सकते हैं। आपका यहाँ पर सी आंसर है ग्लूकोज, वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following drug that cause expulsion of gas from intestinal tract? इनमें से कौन सी ड्रग है जो इंटेस्टाइन में से गैस को एक्सपल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं? उसका नाम आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है। आपका ऑप्शन ए है लैक्सेटिव, आपका ऑप्शन बी है कैथेटिक्स, आपका ऑप्शन सी है कार्मिनेटिव्स और आपका ऑप्शन डी है एस्ट्रिनेजेंट। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो लैक्सेटिव है उसका यूज़ हम कब करते हैं, लैक्सेटिव है इसका यूज़ हम पेशन का जो स्टूल है उसे सॉफ्ट करने के लिए पेशन को देते हैं, पेशन को कॉन्स्टिपेशन है या पेशन का स्टूल है वो हार्ड आ रहा है उस कंडीशन में हम लैक्सेटिव देते हैं। मगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर इंटेस्टाइन में से गैस को बाहर निकालने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, आपको ये पूछा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है सी होगा, कार्मिनेटिव ड्रग हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कार्मिनेटिव, तो सी आंसर है यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस साइन। यहाँ पर आपको फोटो में एक साइन दिया हुआ है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा साइन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये क्या कह रहा है इमेज। यहाँ पर पेशेंट की जो लेफ्ट साइड में हम पालपिट करते हैं, ठीक है, ऐसा प्रेस करते हैं, तो पेशेंट को राइट साइड में पेन होता है उसको कौन सा साइन बोलते हैं, ठीक है, उसको कौन सा साइन बोलते हैं, उसको रोजविन साइन बोलते हैं। ये साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये साइन अपेंडिसाइटिस, पेशेंट के अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हुआ है उस कंडीशन में साइन पॉजिटिव होता है। पेशेंट के लेफ्ट साइड में हम पालपेट करते हैं और पेशेंट को राइट साइड में पेन होता है, वो साइन यहाँ पर दिखाया हुआ है, उस साइन का नाम होता है रोजविन साइन, उस साइन अपेंडिसाइटिस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। आपका यहाँ पर बी आप है राइट है, बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन कौन सा होता है? आपका ऑप्शन ए है डबल विजन, आपका ऑप्शन बी है लॉस्ट ऑफ इलास्टिसिटी, आपका ऑप्शन सी है ब्लर विजन और आपका ऑप्शन डी है हेडेज। तो ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन पूछे तो आपको यहाँ पर ब्लर विजन है ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन होता है, ब्लर विजन ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन होता है, इस क्वेश्चन को भी याद रख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं दे सकते, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है रिम्फापिसिन, आपका ऑप्शन बी है बी इथाम्ब्यूटेल, आपका ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपका ऑप्शन डी है आइसोनियाजाइड। इस सारे की सारे मैं आपको बताऊँ, इस सारे की सारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, पेशेंट के टीबी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ करते हैं, मगर प्रेगनेंसी के दौरान हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते, पेशेंट को ये प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते। आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है वो राइट होगा। मैं आपको बताऊँ स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो साइड इफेक्ट क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उस ड्रग के साइड इफेक्ट है ये ड्रग ऑटोटॉक्सिसिटी या पेशेंट की जो हियरिंग है उस पर इम्पेयरमेंट कर सकती है, हियरिंग पर खराब असर कर सकती है। आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नॉर्सेट हो, किसी भी स्टेट का स्टाफ नर्स का पेपर हो, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ चाइल्ड टू रिसीव डेक्सामिथासोन इंट्रावेनसली एट अ डोज ऑफ 7.6 mg, द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन वायल इज अ 4 mg/ml, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड द नर्स एडमिनिस्टर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेशेंट को डेक्सामिथासोन का इंट्रावेनसली उसका डोज यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7.6 ग्राम उसका डोज है, डॉक्टर ने इसका प्रिस्क्राइब किया है और हमारे पास वायल में अवेलेबल है 4 mg अवेलेबल है। ठीक है, हमें कितना पेशेंट को दे के अमाउंट वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो डिज़ायर होता है, ठीक है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल कितना है वो आएगा और उसको हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिज़ायर हमारे पास कितना है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 7.6 mg और हमारे पास अवेलेबल है 4 mg, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7.6 हमने ऊपर लिखा है, 4 नीचे लिखा हो,
और आप यहाँ पर इसका जो भी कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर 1.9 ml मिल जाएगा। तो 1.9 वाला सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आप चाहे तो ऐसा कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये सारा हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट क्लाइंट वो एक्सपीरियंस अ फ्रैक्चर लेफ्ट टिबिया एज अ लॉन्ग कास्ट एंड यूजिंग क्रच टू एम्बुलेट। ठीक है, एडल्ट क्लाइंट है, उसको लेफ्ट टिबिया में फ्रैक्चर हुआ है, उसकी पाँव में लेग में कास्ट अप्लाई हुआ है और पेशेंट को क्रच का यूज कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इन केयरिंग फॉर द क्लाइंट नर्स असेस फॉर विच साइन एंड सिम्टम दैट इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विद क्रच वॉकिंग। ठीक है, नर्स उसमें क्या असेस, कौन सा साइन और सिम्टम असेस करेगी कि यहाँ पर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन है क्रच वॉकिंग के दौरान, आपको क्वेश्चन ए बोल रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन है लेफ्ट लेग डिसकम्फर्ट, आपका ऑप्शन बी है वीक मसल ब्रेकी, आपका ऑप्शन सी है ट्राइसेप्स मसल स्पैज्म और आपका ऑप्शन डी है फोर आर्म मसल वीकनेस। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा फोर आर्म वीकनेस होगा। क्यों होगा तो मैं आपको रेशनल देता हूँ। सबसे पहले जो आप देख लीजिए, क्रच ऐसा होता है, क्रच के तीन टाइप होते हैं कॉमनली, ये एक्सिलरी क्रच और एल्बो क्रच, ये दोनों होते हैं। ये क्रच हम पूरा पेशेंट का वेट एक्सिला पर आ जाता है, पेशेंट की ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है उसके दौरान हम क्रच का यूज़ करते हैं और पेशेंट का पूरा वेट यहाँ पर एक्सिला भी आ जाता है। और क्रच वर्किंग हम करते हैं तो पेशेंट का पूरा वेट एक्सिला पर आ जाता है, तो एक्सिला में फोरआर्म मसल वीकनेस होगी तो वो क्रच वॉकिंग की कॉम्प्लिकेशन होगी, ऐसे हम बोल सकते हो। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज अ प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ट्यूबरक्यूलिन स्किन टू अ क्लाइंट। ठीक है, नर्स है, पेशेंट को प्रिपेयर कर रही है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द नर्स डिटरमाइन दैट विच एरिया टू बी यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन। तो नर्स पेशेंट का कौन सा एरिया इंजेक्शन के लिए यूज़ करेगी, आपको ये पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है वो हम कौन सी कंडीशन में करते हैं, तो आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चलता है, जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है वो पेशेंट की हम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी को यहाँ पर डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट कहाँ पर करते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि वो हम पेशेंट के फोरआर्म पे करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होता है, हम पेशेंट को आईडी इंट्राडर्मल पीपीडी इंसर्ट करते हैं। पीपीडी का मतलब होता है प्यूरिफाइड, ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ऐसा होता है। पेशेंट को वो पीपीडी इंसर्ट करते हैं और जिस एरिया में हमने पीपीडी इंसर्ट किया है वो एरिया के आसपास हम पेन से या मार्कर से राउंड बना देते हैं और पेशेंट को 72 ओवर के बाद उसको असेस करते हैं। पेशेंट में जो वो साइट यहाँ पर जहाँ पर हमने पीपीडी इंसर्ट की थी वो साइट पर स्वेलिंग होगी, ठीक है, 10 mm से ज़्यादा वो एरिया बड़ा होगा तो वो कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि पेशेंट की टीबी है वो पॉजिटिव है। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आपको यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा, तो आपको यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। इनर एस्पेक्ट में करते हैं, फोर आर्म में करते हैं और जो एरिया है वो हैवी पिगमेंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एरिया में हम इजीली एसेस कर पाए वो एरिया में हेयर कम होने चाहिए और हैवी पिगमेंटेड नहीं होगा तो पेशेंट की कंडीशन को कितना यहाँ पर उसको स्वेलिंग है, ठीक है, कितना यहाँ पर रिएक्ट हुआ है वो आसानी से असेस कर पाए, इसीलिए आपको यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।